अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट किनवा बनाने की रेसिपी देने लगी हूँ। किनवा के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, स्पेशली डाइट के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग डाइट करते हैं और जो राइस और वीट नहीं खाते, ये उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सुपर फूड है। ज्यादातर किनवा को सैलड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आप लोगों को इसकी परफेक्ट किनवा बनाने की रेसिपी दे दूं और उसके बाद कल मैं आप लोगों के लिए पहला किनवा का सैलड डालूंगी और उसकी बड़ी स्पेशल सैलड ड्रेसिंग है, वो मुझे बड़ी पसंद है। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको वो दूंगी और फिर मैं ऑन एंड ऑफ किनवा के साथ मुख्तलिफ किस्म के सैलड में डालती रहूंगी। आई होप कि आप लोग इंजॉय करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? इसके लिए मैंने किनवा लिया है और इसमें व्हाइट कलर का भी आता है, ब्राउन भी है, मैंने आज ब्राउन लिया है, आप जो सा भी लेना चाहें। मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट लूंगी और एक टी स्पून में बटर लूंगी। ये बड़ा परफेक्ट किस्म का किनवा बनेगा। इससे मेजरिंग सही होनी चाहिए। हाफ कप मैंने किनवा लिया, ठीक है। इसको आप किसी भी स्टेनर में डाल लें इस तरह और इसको टैप के नीचे अच्छी तरह वॉश कर लें। ओपन टैप करके आप अच्छी तरह किनवा को वॉश कर लें। ये वॉश हो गया है। अब इसका वाटर अच्छी तरह ड्रेन कर लें। मीडियम हीट पे पैन गरम कर लें। एक टीस्पून बटर है वो डाल देंगे। जो किनवा हमने वॉश किया था वो डाल देंगे। ज़रा सा आप इसको फ्राई सा कर लें इसके साथ, तो ये होगा जब सैलड में किनवा डालेंगे तो ये बड़ा फ्लफी सा आएगा। करीबन एक मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें और उससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। हीट आप मीडियम रखें। अच्छा जी, एक मिनट हो गया। अच्छा, ये मैं आपको रेशो पानी का बता दूं। इसके साथ मैंने हाफ कप लिया था किनवा, एक कप पानी डालूंगी, ठीक है। मिक्स कर लें और अब आप इसको बॉयल आने दें। अच्छा जी, ये बॉयल आ गया। इसको हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो हीट करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं किनवा को सिमर होते हुए। ये रेडी हो गया। ये देखिए, आप जब इस तरह करेंगे फोर्क से तो आपको नीचे पानी नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। ये देखें कैसा ये एक एक दाना इसका अलहदा हुआ है। इन्हें बर्नर बंद कर देना है और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना। किनवा जो है उसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक बोल में निकाल लूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे सैलड में इस्तेमाल करेंगे। आप इसको ज्यादा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको जरूरत पड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और फॉलो भी करें और कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप अगर आपने चीज बनाई है तो वो कैसी बनी है। थैंक यू वेरी मच।